जीएमसी जम्मू की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशि सुदन, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई और उसमें ये कहा गया कि उन्होंने अपनी बर्थ डेट के साथ टेम्परिंग की है, यानी कि छेड़छाड़ की है और गलत तरीके से जो है एमबीबीएस की सीट हासिल की है, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहता है कि आपकी अमूमन उम्र जो है, कम से कम उम्र जो है वो 17 ईयर्स यानी 17 वर्ष होनी चाहिए अगर आप एमबीबीएस की सीट आपको मिलती है एंट्रेंस दे सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बर्थ डेट शो की गई है उसके लिहाज से 16 वर्ष 8 महीने जो है डॉक्टर शशि सुदन के बनते हैं। वो क्या तारीख है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तारीख ये बताई है कि यहाँ पर ये बताया गया है 31 दिसंबर 1981 तक 16 वर्ष 8 महीने की जो थी वो यहाँ पर शशि सुदन थी, जबकि वहां पर जो है एक और बर्थ सर्टिफिकेट लगाया गया, नए तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया ताकि एमबीबीएस की सीट मिल सके, एंट्रेंस एग्जाम में जो है आप जो है भागीदारी ले सके। तो इसी तरह से छेड़छाड़ की गई और एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद ये मामला जो है क्राइम ब्रांच तक पहुंचा। और आज सुबह की अगर मैं बात करूँ, आज सुबह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो उनका जो ऑफिस है वहां पर भी पूरी तरह से छापेमारी की गई, यानी कि वहां पर रेड हुई क्राइम ब्रांच की तरफ से और जो उनका घर है वहां पर भी रेड हुई। उसके बाद जो है एक बड़ा सवाल ये होता है कि आगे की प्रक्रिया क्या। आगे की प्रक्रिया ये कहती है कि जिस प्रकार एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई थी, अब आगे जो है कोर्ट ही यानी कि न्यायालय ही एक बड़ा रास्ता हर एक व्यक्ति को दिखता है कि अगर कोई भी उस पर आरोप लगता है, अगर कोई भी शिकायत दर्ज करवाई जाती है, अगर कोई भी एजेंसी जो है छापेमारी करती है तो आगे जाकर न्याय प्रक्रिया में हामी भरनी होती है और न्याय प्रक्रिया ये कहती है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होता है। तो आज जिस तरह से मैंने आपको कहा कि छापेमारी का दौर जो था वो जारी था, चाहे उनके दफ्तर की बात करूँ या उनके घर की बात करूँ, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एडवोकेट्स है उन्होंने उनके लिए आर्गू किया और आज जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ एंटी करप्शन जम्मू उनके जो जज है श्री टीके रैना, उन्होंने इंटरिम बेल जो है यानी कि इंटरिम बेल जो है वो ग्रांट कर दी है, दे दी है डॉक्टर शशि सुदन को, जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की। तारीख यहाँ पर बताई गई है टिल 8 जुलाई, यानी 8 जुलाई तक जो है यहाँ पर जो है उनको इंटरिम बेल जो है वो दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो तमाम एडवोकेट्स हैं जो उनके लिए वकालत कर रहे थे, जो उनके लिए आर्ग्यू कर रहे थे, उनका नाम भी मैं मेंशन करूंगी। नाम उनके इस प्रकार है, श्री प्रणव कोहली सीनियर एडवोकेट है, आफताब मलिक है, फरहान मिर्जा है, वरुण रैना है, वास्तव शर्मा है। ये कोर्ट में अपेयर हुए यानी कि वहां पर मौजूद रहे, आर्ग्यू इन्होंने किया, वाद विवाद पूरी तरह से हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ऑफ एंटी करप्शन जम्मू ने इंटरम बेल जो है वो दे दी है शशि सुदन को। और उसके बाद अगली जो हियरिंग है यानी कि अगली जो सुनवाई है उसके लिए भी ये कहा गया है कि 8 जुलाई का जो समय है वो निर्धारित किया गया है ताकि फर्दर जो है बेल की एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए, यानी कि बेल जो है कि आगे बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। लेकिन ये जो मामला है कल से ही काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, जब से इस तरह का एक तरह से लोगों भी सवाल कर रहे थे कि किस प्रकार जो है छेड़छाड़ की गई है, इतनी बड़ी कुर्सी पर जो है आप बैठते हैं और उसके बाद गलत तरीके से यानी कि इलीगल मीन से जो है आप एंट्रेंस एग्जाम में भागीदारी लेते हैं, आप परीक्षा देते हैं और उसके बाद जो है 17 वर्ष की उम्र बनाने के लिए आप एक और नया जो है बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर बना लेते हैं, जिसके बाद जो है आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाती है, यानी कि जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तक की ये सबसे बड़ी जानकारी है कि इस मामले में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में 420 का सेक्शन भी लगा था, यानी कि यहाँ पर करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए थे, कुछ अन्य सेक्शन भी है, सब सेक्शन भी है, उन्हें सेक्शन के माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया था कि पूरी तरह से किस तरह से इस मामले को आगे देखा जाएगा, किस तरह से कोर्ट जो है सुनवाई करेगा। लेकिन जो सीनियर एडवोकेट है वो अन्य एडवोकेट है वो वकालत करने के लिए पहुंचे, उनके लिए वहां पर मौजूद रहे, जिसके बाद जो है उनको इंटरिम बेल जो है वो दे दी गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर शशि सुदन के लिहाज से। आप ये हमारे साथ बने रहते हैं।